कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी, स्पेशली ईद के हवाले से। इसके अलावा आप इसे दावतों पे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट और मज़े की बिरयानी है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 4 चिकन के लेग पीसेस, ये तकरीबन 1 किलो के थे, और इन्हें कट्स लगा लिए हैं। इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 प्याली दही, 1/2 टीस्पून जरदा रंग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या हस्बे जायका। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम भी कर सकते हैं, और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नेशनल टिक्का मसाला 1/2 पैकेट। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और लेग पीसेस पर अच्छे से लगा लें, और 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। जब मैरिनेशन हो जाए तो एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लें, इसमें ये तमाम लेग पीसेस और इसका मसाला शामिल करें और हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें जब तक कि गोश्त गल ना जाए। जब तक गोश्त गल रहा है हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए अदरक का टुकड़ा तकरीबन 2 इंच का, 15 से 20 लहसुन के जवे और 4 दरमियाने साइज के प्याज, और 2 अदद टमाटर। प्याज को स्लाइसेस में काट लें और अदरक को क्रश कर लें। अब इन तमाम चीज़ों को एक कुकर में डालें और साथ ही 2 गिलास पानी और मसाला शामिल करें, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 मोटी इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च और 2 बादियान के फूल। इसे स्टीम लगा लें तकरीबन 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ जो लेग पीसेस थे वो अच्छे से गल चुके हैं, उसका पानी खुश्क हो गया है। इसे हम कोयले का स्मोक दे देंगे जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। स्मोक देने के बाद इसे हम ढक देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मसाले को स्टीम आ चुकी है, अब हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, फिर चिकन में शामिल कर देंगे। मसाला शामिल करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। अब दूसरी तरफ चावल बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं। इसमें 2 टेबलस्पून या हस्बे जायका नमक ऐड करूंगी और इसे बॉईल कर लूंगी। इसे इतना बॉईल करना है कि इसमें 1 कनी की गुंजाइश रहे। अब इस बिरयानी की तह लगा लें जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है, और तह के दरमियान तकरीबन 1-1 गट्टी बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना शामिल करें, और आलू बहाड़ा हस्बे ज़रूरत। फिर बिरयानी को दम पे रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है, खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। मज़ीद ये कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।